हे गाइस, जब भी हम फोटोशॉप में कुछ वर्ड्स या टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कहीं कभार जो टेक्स्ट या वर्ड्स होते हैं उसे आपको स्ट्रोक अप्लाई करना पड़ता है। तो भैया यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि टेक्स्ट को स्ट्रोक कैसे अप्लाई करते हैं, तो यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स डू इट। तो देखिए गाइज, जिस भी वर्ड्स को हमें यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई करना है उस वर्ड को यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको टाइप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सैंपल के लिए ये जो वर्ड है इसे यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। ये होने के बाद यहाँ पर देखिए लेयर वाला बॉक्स है, इसमें लेयर वन और यहाँ पर जो टेक्स्ट की लेयर है यहाँ पर दो रखे है। तो आपको सिंपल से टेक्स्ट वाली लेयर पे राइट क्लिक करके यहाँ का जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसे ओपन कर लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है इसे सिंपल तरीके से आपको क्लिक करना होगा। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले है साइज। तो इस साइज की मदद से हमारे जो स्ट्रोक की साइज है इसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, या मैन्युअली तरीके से यहाँ पर हमें जो साइज देनी है उसे भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर पोजीशन। ओके, तो गाइज जैसे आपको स्ट्रोक की पोजीशन चाहिए वैसी पोजीशन आप स्ट्रोक को सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनसाइड, सेंटर, आउट, आउटसाइड, यह तीन पोजीशन यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लेंड मोड। तो आपको किस मोड पर स्ट्रोक चाहिए यानी किस मोड का स्ट्रोक चाहिए इसे भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर ओपेसिटी। तो ओपेसिटी कम और ज्यादा करने से जो स्ट्रोक वाला जो लाइटिंग है इसे हम कम और ज्यादा महसूस कर सकते हैं, यानी कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर फिल टाइप। जैसे हमारा जो स्ट्रोक है उसे यहाँ पर तीन तरीके से हम स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसे हम उसे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं और पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कलर। तो देखिए हम जब कलर पे ट्राई करते हैं तो यहाँ पर जितने भी कलर है उसे एज ए स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। ये होने के बाद देखिए गाइज नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेडियंट। जैसे हम कलर को अप्लाई करते हैं एज ए स्ट्रोक, उस तरीके से ही जो ग्रेडियंट है यहाँ पर उसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। ये होने के बाद जो लास्ट वाला जो फिल टाइप है वो है पैटर्न। ओके गाइज, तो जैसा यूज हम ग्रेडियंट के लिए करते हैं वो सेम यूज यहाँ पर पैटर्न के लिए होता है। यहाँ पर हमारे जितने भी पैटर्न्स है उसे हम एज अ स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर मैंने आपको सारे जो है यहाँ पर जो कंसेप्ट क्लियर कर दिए है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।